الشيطان الرجيم هنالك الولاية لله الحق هو خير صوابا وخير عقبا واجب الاحترام سامعین محترم अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते जिस मुकाम जी शान नो मैं इस वक्त तिलावत कीता ए मुकाम आलिशान अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी अजीमुशान और अजीमुल बरकत किताब द पंद्रवा सपारा सपारे द रुकू सतारवा सूरत दा नाम सूरह अल काहफ सूरत दा रुकू पांचवा तारीख इस्लाम दे अंदर और कुरानो हदीस दे अंदर बहुत सारे वाकयात मौजूद ने बल्कि कुरान व हदीस और तारीख इस्लाम दिया किताबा सीरत दिया किताबा भरिया पढ़िया ने ऐसे वाकयात नाल के जिन्हां दे अंदर अंबिया औलिया अतकिया सुलहा और उन्हां दे हालात वाकयात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे मौजज़ात औलियाउर रहमान दी करामात बहुत सारे वाकयात जो मर्दां दी निस्बत नाल मर्दां दे हवाले नाल बयान कीते गए ने
उन्हां दी करामात फलां नूं अल्लाह ने ए करामत दिखाई, फलाने नूं ऐसी करामत। एक बात ज़हन नशीन फरमा लो, मैं कई दफ़ा इहदा तज़किरा कर चुका कि कोई नबी अपनी मर्जी नाल मौजज़ा नहीं दिखा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और कोई वली अपनी मर्जी नाल किरामत नहीं दिखा सकता जब तक रब ना चाहे। ये नहीं कि वली जदों चाहे अपनी मर्जी नाल कोई किरामत जाहिर कर दे, ऐसा नहीं। अल्लाह दी मंजूरी दे बगैर ये है ही नामुमकिन है। तो बहुत सारे मर्दां दा तज़किरा और उन्हां दी किरामात ज़खीरा कुतब दे अंदर मौजूद ने। मैं चन अज दे इस अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर मोमिन औरतां दी किरामात दे हवाले नाल कुछ गुजारशात करा कि मोमिन औरतां जेड़ियां अल्लाह दियां बरगुजीदा रब दियां मुकर्रब अल्लाह दा कुरब हासिल करन वालियां, उन्हां नूं रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे ऐसे वाकयात मुयस्सर ने कि जिवें मर्दां नूं अल्लाह जुल जलाल अपना वली गरदानदे ने और उन्हां नूं बहुत सारियां किरामात तो माला माल फरमा देंदे ने, इसे तरह बहुत सारियां औरतां भी ने जिन्हां नूं रब्बुल आलमीन ने किरामात अता फरमाईयां, जिन्हां दे हाथ ते किरामात जाहिर होईयां। अल्लाह उन तमाम नेक ते पाकीज़ा खवातीन जो तेरे हुजूर पहुँच चुकियां ने, अल्लाह उन्हां दियां कबरां ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमा दे। मेरे भाइयो, मेरे बरादर, रब्बुल आलमीन ने बहुत सारिया खवातीन का तज़किरा फरमाया और इस मकाम ते ना जो मैं इब्तदा दे अंदर आया मुबारक तिलावत की है, रब्बुल आलमीन ये दसिया कि किसी की मदद करना औखे सौखे वेले ये सिर्फ रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ही ताकत रखते ने और आम मुसब्बिबुल असबाब रब्बुल आलमीन की जात है और दुनियावी लिहाज न एक दूसरे तो जेड़ा तावन असी हासिल करने हैं वह भी अल्लाह जुल जलाल की तौफीक तो बगैर नहीं हो सकता। अल्लाह जुल जलाल कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान फरमा दियो हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दी जात ही ऐसी जात है, मदद करन वाली जात पर हक जात रब्बुल आलमीन दिए हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक होवा खैरुन सवाबं व खैरुन उकबा। पहली गल तो ये समझाइए कि अल्लाह जुल जलाल वली कराम दी जात ही तावन करन वाली जात है और कदी कदी अल्लाह जुल जलाल ऐसे अंदाज नाल अपने बंदियां ते अपनियां बंदियां दा तावन फरमांदा है। फिर अल्लाह ने बाकायदा उन्हां नूं कुरान दा हिस्सा बना दिता, कुरान दियां आयतां बना के अपने पाक पैगंबर अली सलाम ते नाजल फरमा दिती।
ने तो रब्बुल आलमीन ने ऐसियां अपनियां अजीम और बेहतरीन और प्यारियां बंदियां दा तज़किरा कुरान पाक दे अंदर फरमाया और उन्हां दी विलायत दा तज़किरा रब्बुल आलमीन ने कुरान दियां आयतां बनाया। अल्लाह जुल जलाल ने उन्हां दी करामात नूं कुरान दा हिस्सा और बड़ा मशहूर किस्सा है कि कुरान पाक दे अंदर एक सूरत ऐसी है जिदा नाम ही सूरा ए मरियम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे कुरान दी अजमत तो सदके ते लख वार कुर्बान जाइए। कुरान च एक सूरत ऐसी है जिदा नाम ही सूरा मरियम है और रब्बुल आलमीन ने अपनी उस बंदी दा तज़किरा बतौर खास कुरान पाक दे अंदर फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर अली सलातु व सलाम ऐलान फरमा दियो वाज़ुकुर फिल किताब मरियम वाज़ुकुर है अल्लाह दी बंदी है करामत की है कुरान ने बयान फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाज़ुकुर फिल किताब मरियम इज़न तबज़त मिन अहलिहा मकान शर्किया फत तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सवीया कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया काल इन्नमा अना रसूलु रब्बिके लिअहबलके गुलामन ज़कीया। अल्लाह जुल जलाल दी प्यारी बंदी सैयदा मरियम एंज अलग थलग तशरीफ फरमान ते आउन वाला अल्लाह दा भेजिया मेहमान आया ते आके रब्बुल आलमीन दा पैगाम सैयदा मरियम तक पहुँचा रहे ते सैयदा मरियम ने वेख्या ते परेशान हो जांदिया ने मैं अलग थलग मौजूद हाँ ते मेरे सामने एक ऐसा मर्द आ गया इंसानी शक्ल दे अंदर एक ऐसा मर्द मेरे सामने आ गया ते फौरन सैयदा फरमांदिया ने इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तत्तकिया मैं अल्लाह दी पनाह विच आउनी आ भावें तू किड्डा मुत्तकी है भावें तू किड्डा भी नेक है भावें तू कितना बड़ा अल्लाह दा प्यार है पर किड्डा भी चंगा मैं अल्लाह दी पनाह विच आउनी आ इंज तैनू मेरे सामने कल्या नहीं सी आउना चाहिदा ते हुण आउन वाला जिहड़ा ना वो अपना तारफ करवा रहा ए बीबी पहली गल ते एवे जो तू समझिए मैं ओ जो तू समझिए पहली गल है वे जो तू समझिए मैं ओ ते नहीं ते जो मैं वा ओ तू नहीं समझ पाए अच्छा तू कौन है ते फरमांदे ने इन्नमा अना रसूल रब्बे के इन्नमा अना रसूल रब्बे के ले अहबला के गुलामन ज़कीया मैं ते तेरे रब दा भेजिया फरिश्ता आया अपने पैगाम लैके आया सुनेहा लैके आया बीबी मैं अल्लाह दा भेजिया मलका फरिश्ता वा ते मैं तेनू बेटे दी खुशखबरी सुनान वास्ते आया वा ते सैयदा
दी हैरानी दी इंतहा नहीं रही। ने नाली फरमान दिया ने काला ता अन्ना यकूनली गुलाम वलम यम ससनी बशर वलम अको बगिया। मैं कि मैं बच्चा जनांगे, मैनू ते आज तक किसे मर्द ने हाथ भी नहीं लाया। औलाद जनन दे दो ही तरीके ने, एक हलाल तरीका एक हराम तरीका, एक जायज है एक नाजायज है। एक वे के माज अल्लाह बुराई कीती जाए बदले अंदर बच्चा पैदा हुंदा, एक वे के निकाह हलाल तरीके ना कीता जाए ते बेटा या बेटी पैदा हुंदे ने। मैं शादी भी नहीं कीती ते मैनू किसे मर्द ने हाथ भी नहीं लाया, ते मैं किवें बेटा जनांगी। ते अल्लाह जुल जलाल दा पैगाम लेके आउन वाला कह रहा कज़ाल के काला रब्बो के होवा अलैया हैयनुन वाले नजा अलहू आयतल लिन्ना से व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मकजिया। बीबी गाले वे ओदियां कुदरता ने ओदियां मर्जियां ने, ते अल्लाह जुल जलाल अपनियां मर्जियां ते कादर ने जो चाहे कर सकते ने। वाह मेरे मौला तुहाडियां कुदरता तो हुण सैयदा इन्नियां परेशान ने। अल्लाह जुल जलाल दा पैगाम आ गया ते अल्लाह जुल जलाल दी रहमत दा जहूर जनाब ईसा दी शक्ल अंदर। अल्लाह जुल जलाल ने रहमत फरमाए जनाब ईसा सैयदा मरियम दे बतन मुबारक दे अंदर ने। ते पता दे ना एक गैरतमंद बेटी हयादार बेटी इन्नी परेशान हो गई है, फरमांदिया ने या लईतनी मितो कबला हाजार। पता दे ना हयादार बेटियां ओ मर जाना गवारा कर लेंदिया ने, अपनी इज्जत ते हरफ नहीं आउन देंदिया, मर जाना गवारा कर लेंदिया ने, अपनी इस्मत वाली सफेद चादर ते दाग नहीं लगन देंदिया। सैयदा परेशान ने ते फरमांदिया ने या लईतनी मितो कबला हाजार वकुन तो नसियम मनसिया। काश आज दा दिन आउन तो पहला मैं मर गई हुंदी, मैं खाक नाल खाक हो गई हुंदी, मैं आज दा दिन आउन तो पहला मिट्टी नाल मिट्टी हो गई हुंदी। अल्लाह मैं कौम वाल जावांगी केड़ा मुंह लैके जावांगी। हुण कुरान ने ना अगला कौम दा सवालो जवाब जेड़ा वो भी बड़े प्यारे अंदाज नाल नकल फरमाया। अल्लाह जुल जलाल दियां कुदरतां मर्जियां जनाबे ईसा दुनिया ते तशरीफ ले आए ने, ते सैयदा परेशान ने। कुरान आंदा फना दाहा मिन ताहते हा अल्लाह तहजनी कद जाला रब्बो के तहता के सरी वहुजी एलई के बेजिज अखलत तो साके ताले के रोता बन जनिया। फाकोली वशराबी वकर्री ऐनन इम्मा तारा इन्ना मिनल बशारे आहदन फाकोली इन्नी नजारु तो लिर्रहमान सौमन वलानो कल मलियोम इंसिया।
फातत बेही कौ महातहमिल फातत बेही कौ महातहमिलो कालो या मरियम लकद जेत शैयन फरिया या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सौइन व मा काना तो उम्मो के बगिया कौम दे सामने या अल्लाह केड़ा मुंह लाके जावांगी। लोग ते तरह तरह दियां बातां बनांगे और फरमाया परेशान नहीं हो ना, दिल ना छोटा करी, तू ना बोली असी आपे ही बुला लवांगे। और दूध पींदे बच्चे कदी बोले नहीं, तू ना बोली मरियम असी आपे ही बुला लवांगे। मैं कुर्बान जावा आ गईया घर पहुंचिया वेड़ा भरिया कौम चार चुफेरे तमाशा ला के खड़ी। और लोगों नू ते कोई मौका चाहिए और खास करके किसे नेक बंदे किसे मुत्तकी किसे परहेजगार किसे निमाजी आदमी ओहो ही जुर्म ओहो ही गलती। अगर कोई आम बेनिमाज दुनियादार फहाशी बदमाशी फैलाने वाला ओहो ही काम अगर ओ करे ओदे वाल अख चुक के कोई नहीं वेंदा और ओदे नालो दस दर्जे थोड़ी गलती किसे निमाजी आदमी कोलो हो जाए लोग ओदा गुड्डा बन देंदे ने तमाशा बना देंदे ने और माशरे दे अंदर रुसवा करन दा हर हर इस्तेमाल कर लेंदे ने। ए सैयदा मरियम कराना बड़ा अजीम है सुभान अल्लाह। लोग तरह तरह दियां बातां और ज़बाना का दिया ने स्टेन गन्ना बन गईया ने ते आके आंदे ने नी मरियम ऐ की हनेर पाई नी मरियम तू ते आप बड़ी चंगी लगदी से नेक लगदी से तेरे मां भी बड़ी चंगी तेरा बाप भी बड़ा नेक तेरे भरा भी बड़े नेक ते मरियम ऐ की कर आई है। अल्लाह अल्लाह ते फरमान दिया ने फा अशारत इलई मैनू ना पुछो आन वाले नू पुछो मैनू ना पुछो फा अशारत इलई मैनू ना पुछो इनू ही पुछो ते कह लगे कई फानो कल्लेमो मन का नफिल महदे सबिया नी मरियम नाले ते गलती कर आई है जुर्म कर आई है नऊज़ बिल्ला ते नाले सानू पहेलियां बुझान डई है वाला कदी दूध पींदे बच्चे भी बोले ने इना कमलिया नू नहीं सी पता ओ बुलान ते आ जाए ते दूध पींदिया नू भी बुला लेंदे बुलान ते रब कादर है कि नहीं बुलाते आ जाए दुध पींदे बच्चों बुला लेंदा अल्लाह अल्लाह। और बड़ी प्यारी न इत मौलना शमशाम इन्हों आयतों का तर्जमा अपने अंदाज नाल फरमाया तेरी जात मौला हमीदन गनिया वाह शमशाम अल्लाह तेरी कबर ते रहमत दियां बारशा नाजल फरमा दे तेरी जात मौला हमीदन गनिया समीअन बसीरन नसीरन वलिया तैथों जो कोई मंगे तू कर दे इनायत तैथों जो कोई मंगे तू कर दे इनायत ना पर दुआ एक रब्बे शकिया। उन आयतों का तर्जमा एक एक हरफ का अलहदा अलहदा तर्जमा करिया ते बड़े प्यारे अंदाज नाल बड़े प्यारे रंग टंग नाल ते फरमांदे ने तू मरियम तू मरियम सिद्दीका कमवारी नू मौ
मरियम सिद्दीका कमवारी नू मौला दिता नाल कुदरत गुलामन जकिया। तू मरियम कमवारी नू मरियम कवारी तू मरियम सिद्दीका कवारी नू मौला दिता नाल कुदरत गुलामन जकिया। जनन वेले मरियम सी भुखी तिहाई जनन वेले जनाबे ईसा दी पैदाइश वेले जनन वेले मरियम सी भुखी तिहाई दिता फजलों रुतबन जनियन सरिया। जनन वेले मरियम सी भुखी तिहाई दिता फजलों रुतबन जनियन सरिया। बच्चा गोदी चुक के आई मरियम जा करनो पूरी कौम पा बैठी सगवा कसिया। ते आंदे की ने नी नेकां दिए जाइए ते नेकां दिए पैने नी नेकां दिए जाइए ते मूसा दिए पैने नी बीबी लकद जे ते शैयन फरिया। मैं कुर्बान जावा अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दी एक एक आयत दा तर्जमा अपने रंग टांगना कर रहे ने ते मरियम नू कहया रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने ता मरियम नू कहया ना बोली किसे संग ता मरियम नू कहया ना बोली किसे संग बुलावांगे फिल महदे ईसा सबिया। इशारा कीता माने ता बोले ईसा मैं बंदा खुदा दा ते कुन तो नबिया मैं साहिबे किताबा मुबारक हां हर थां नमाजी सखी नाले मा तुम तो हया। ते मेरी मां दे खिलाफ गल्ला करन वाले हो है मां पाक मेरी है मां पाक सुभान अल्लाह है मां पाक मेरी मैं नेकी करांगा नहीं हां मैं हरगिज जब्बारन शकिया। और मेरी मां दे खिलाफ गल्ला करन वाले हो गल सुन लो इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंतो वाउसानी बिस्सलात वज़कात मादुम तो हया। यानी सैयदा मरियम नो अल्लाह जुल जलाल एक गल नबी जिन्ने होए ने मर्दा चो होए ने औरता चो कोई नबी औलिया उर रहमान बहुत सारिया खवातीन ने लेकिन औरता चो नबी कोई नहीं। नबी अली सलाम दे दुनिया तो तशरीफ ले जान दे बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब और बहुत सारे लोगों ने नबुव्वत दा दावा किया ते एक औरत ने भी नबुव्वत दा दावा किया उन्हें मैं भी नबी आ वा। हालां मर्दा च नबी ने औरतां च कोई नबी नहीं लेकिन औरतों के अंदर साहिबे किरामात के जिन्हों अल्लाह अपनी कुदरत कामिला नाल कोई ऐसिया चीज़ा दिखा देवे के लोगों वास्ते नमूना बन जांदिया ने। इमाम इब्ने अभी दुनिया ने अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल किया आंदे ने इराक के अंदर न एक औरत अतखड़ जी उम्र की औरत अख
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਬੀਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਛ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਨ, ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਨਬੀਨੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ? ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, 14ਵੀਂ ਰਾਤ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਔਰ ਇਹ ਲੁਤਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਤਰਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਇਨਕਸਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਏ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾਤਾ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ। 40 ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਲੌਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਇਨਕਸਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੀ ਬਣਦਾ। ਵਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਵਲੀ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਕ ਏ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਾ ਇਨਨਾ ਔਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਵਲੀਆ ਔਰਤਾਂ, ਮੋਮਿਨ ਔਰਤਾਂ, ਮੋਮਿਨ ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਮੇ ਹਾਰਸਾ ਉਮੇ ਰਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੰਦ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੇਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਅਤ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਦੀਅਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਮੇ ਰਬੀ ਆਈਆਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਉਮੇ ਰਬੀ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੇ ਰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਓ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋ ਤੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਹ ਤੇ ਲਵਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਂਸੂ ਤੇ ਬਹਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਉਮੇ ਰਬੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਈ ਜੰਨਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਉਮੇ ਰਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਮੇ ਹਾਰਸਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ ਹਮਸਾਈ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਅਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਦੰਦ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨਬੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਮੇ ਹਾਰਸਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਮੇ ਰਬੀ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀਅਤ ਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਦੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ
नहीं के उम्मे रबी ना उस बिल्ला नबी पाक दी ना फरमानी करन लगिया ने, ए नहीं रब दी जात इना माने। सुनियो हुण मेरी बेटी दा दंद तोड़िया जाएगा, फरमाया हां बदले दे अंदर दंद टूटेगा। ते उम्मे रबी की आंदिया ने अल्लाह दी कसम नहीं टूटेगा, ना फरमानी नहीं भाई नहीं तोड़ना जी जो हुंदा जे का, ए नहीं अदालत दा फैसला उड़ा देवे छाड़ियां तुहाड़ियां अदालतां ते बाद दी गल, नबी पाक दी अदालत है। ते ए नहीं भी ओ ना फरमानी कर रही ने जी नहीं दंद टूटेगा जी वेखी जाएगी जो होगी, नहीं अल्लाह ते भरोसा इन्ना, ओदी जात ते मान इन्ना, ओदे ते यकीन इन्ना। हुजूर दंद तोड़िया जाएगा, फरमाया हां आंदिया ने अल्लाह दी कसम सोने नहीं तोड़िया जाएगा, अल्लाह दी कसम नहीं तोड़िया जाएगा, अल्लाह दी कसम नहीं तोड़िया जाएगा। गल्लां बातां हो रही ने, थोड़ी देर दे बाद उस औरत दे घर वाले आए ते आके कहन लगे सानू दियत दे दियो, असी बदला लैन लई तैयार नहीं। हुण नबी पाक ने तबस्सम तबस्सम फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कराए, फरमाया कई अल्लाह दे प्यारे ऐसे हुंदे ने ओ जदों अल्लाह दी कसम उठा लैंदे ने ते अल्लाह उन्हां दी कसम नूं पूरा कर देंदे ने, जदों अल्लाह दी कसम उठा लैंदे ने अल्लाह उन्हां दी कसम नूं पूरे कर देंदे ने। ऐ वलिया अल्लाह दी ते ऐ वलिया दी करामत, मैं कुर्बान जावां मैं ते कहा करना जमीन दे सीने ते बड़े बड़े वली पैदा होए ने, कयामत तक वलायत ते खत्म नहीं ना, नबुव्वत दा दरवाजा ते बंद हो चुका है, नबुव्वत ते नबी पाक ते खत्म हो चुकी है, कयामत तक हुण दोबारा नबी रसूल नहीं कोई आएगा, विलायत दा दरवाजा खुला, कयामत तक अल्लाह दे वली पैदा होंदे रहेंगे, अल्लाह दियां निशानियां बन के लोगां दे सामने आंदे रहेंगे, विलायत दा दरवाजा बंद। मैं आना जमीन दे सीने ते सब तो वड्डे वली नबी दे सहाबा ने, सब तो वड्डे वली नबी पाक दे सहाबा ने, सब तो बड़िया अल्लाह दियां वलियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबियात ने। हजरत बीबी अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, पता दे अस्मा है कौन ने, जनाब अबू बकर सिद्दीक दी बेटी है, अब्दुल्ला बिन जुबैर इन्हां दे बेटे ने, ते जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हां नूं हवारिये रसूल भी कहा जांदा, ओ इन्हां दे शौहर ने जनाबे जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो, मां सहाबिया बाप भी सहाबी खामंद भी सहाबी दादा भी सहाबी ते आप भी सहाबिया ने, सब तो बड़िया अल्लाह दियां वलियां ओ सहाबियात ने। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा पता दे खांदे पींदे घराने दी खातून सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक दा रजी अल्लाह ताला अच्छा खासा कारोबार सी, इस्लाम ले आउन तो पहले चंगा भला कारोबार सी, लेकिन हजूर दा कलमा पढ़िया ते फिर हजूर जो गई रह गया, बल्कि मदीना पाक दे अंदर तशरीफ ले आन दे बाद भी जदो आपनू मनसबे खिलाफत मिलिया ना हजूर दे दुनिया तो तशरीफ ले जान दे बाद, ते फिर भी ये नहीं सोचा मैं उन वक्त दा हाकिम बन गया, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन
हुण ते मैनू बह के खाना चाहिए, हुण ते मेरे अगे पिछे नौकर खादम मुलाजम हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए। नहीं, एक दिन कारोबार सन करते, तिजारत करते सन, कपड़ा फरोख्त करते सन, कपड़ा मोढ़े ते रखे है ते बाजार जा रहे ने, सामने वो जनाबे फारूक आजम मिले रजी अल्लाह ताला अन। अबू बकर किधर? फरमान लगे खिलाफत लब गई है, बाला नू ते कुछ खुआना है ना, खलीफा बन गया, बाला नू ते कितों खुआना है। ते जनाबे उमर फरमान देने अबू बकर या बाला नू कमा के खुआ लै, ते या मुसलमाना दी खिलाफत संभाल लै। ए किवें होएगा? तू कारोबार अपना करेगा ते कौन खिलाफत दे मोर सर अंजाम देवेगा? फिर एक फैसला होया कि जिन्ना आम घट तो घट किसे माड़े घर का खर्चा बैतुल माल चो उन्ना खर्चा अबू बकर नू दिता जाए ते अबू बकर मुसलमाना दी खिलाफत दा हक अदा करेगा। ये नहीं के बैतुल माल हाथ आया ते डकार जाओ हर शह, केड़ा को पुछन वाला, शीरे मादर समझ के हजम कर जाओ, केड़ा को पुछन दसन वाला। हाँ, ऐथे कोई पुछन वाला शायद ना होए, ऐथे शायद कोई नोटिस लैन वाला ना होए। एक अदालत विच सारिया पेश होना, उदन हाथ अवाम दा होएगा ते गरेबान हुक्मराना दे होंगे। उस अदालत दे फैसले होने ही ने ना। ओ जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी रजी अल्लाह ताला अनहो दी लखते जिगर हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अनहा नाजो नाम विच पलिया ने सैयदा असमा, यारो पता देना खुसूसन औलादा वाले हो ते खुसूसन बेटिया वाले हो, पता दे मापे अपनिया औलाद किन्ने प्यार नाल सां देने, किन्ने प्यार नाल पाल देने, किवें बच्चियां दे नखरे बर्दाश्त कर देने, बेटियां या बेटियां दे मुंहों गल बाद विच निकल दिए, बाप कोशिश करदा पहला पूरी कर दीती जाए, बेटी मुतालबा बाद विच कर दिए, आके बाप पहला ओदी जबान चो निकलियां गल्लां पूरियां कर दे। मेरे भाई मेरे बा रब ने रिश्ता ही इंज दा बनाया, ए नाता ही अल्लाह ने इंज दा बनाया। जेड़ा बाप सारा सारा दिन मेहनत करके, सारा दिन मजदूरियां करके, सारा दिन रेड़ी लगा के, लोग धुप्पे वेंदे ने इनू रेड़ी ला के खलोता है दोपहर दी गर्मी है, लोकी आराम करदे ने, ए बेचारा बच्चियां दा पेट पालन वास्ते दर बदर तके खांदा फिरदा। मेरे बच्चे किसे दा मुंह ना वेखन, इस बाप नू की पता हुंदा के मेरी बेटी शादी दे बाद जिस घर विच जाना, पता नहीं उथे रज के रोटी दी बुरकी भी इनू मिलनी है कि नहीं। जेड़ा बाप इन्हें नखरिया नाल अपने बच्चियां नू पालदा, पता नहीं उस बाप नू शादी दे बाद मेरी बेटी नू चज दा कपड़ा भी नसीब होना कि नहीं, चज दा लिबास भी मुयसर आना कि नहीं। ओ नाजो नाम विच पलियां खांदे पींदे घराने दी खातून हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अनहा, अल्लाह ते ओदे रसूल दी खातर माल छड दिता है और वतन कुर्बान कर दिता है, सारा कुछ छड छड़ा के मदीने पाक दे अंदर तशरीफ ले आउंदे ने। हजरत जुबैर बिन अवाम दे निकाह विच सैयदा असमा आउंदिया ने, ते मैं कुर्बान जावा हजरत जुबैर नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे नाल मैदान जिहाद दे अंदर गए ने,
अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपनी शुजात दे जौहर दिखाने वास्ते गया ने, ते घर दे अंदर फाके चलदे ने पै, घर दे अंदर खाने वास्ते शै कोई नहीं। हजरत असमा खुद अपना वाकया बयान कर दिया ने, आंदिया ने मेरे नाल दा घर एक यहूदन दा घर सी। बनू कुरैजा दे यहूदी मशहूर ने, बनू कुरैजा दे यहूदियां चो एक यहूदन दा घर मेरे बिल्कुल करीब हमसाया से। उन्हें अपने घर दे अंदर बकरी सवा कीती, उस बकरी दा गोश्त बनाया, हांडी पकान वास्ते चुल्ले ते रखी, ते ओ गोश्त दियां खुशबुआं मेरे घर तक भी आईयां, ते ना ही मैं रह सकी। कई दिन हो गए ने, फाके ही फाके ने, छोटी जी मेरे कोल एक बच्ची है, घर दे अंदर फाके चलदे ने पै। आंदियां ने मैं उठी ते बहाने नाल, अल्लाह अल इंसान है ना, आंदियां ने मैं उठी ते बहाने नाल ना अग लैन दे बहाने मैं ओदी यहूदन दे घर चली गई। मैं सोचा भी चलो कोई इनू अकल होई ते रोटी दी सुलह ही मार लगी, ते चलो खुशबू बड़ी उड्डन डई है, ते हो सकता है अल्लाह एदी कोई समझ पा दे, कोई एदे दिल च पा दे। आंदियां ने मैं अग लैन गई, लै के आ गई, ते उन्हें मैनू रोटी भी पूछी, आ गई खुशबुआ सह नहीं लैन देन रही, कुछ पेट च शह कोई नहीं, भुखी सा। आंदियां ने थोड़ी देर बाद मैं फिर टुर गई बहाने नाल ना, फिर चली गई। हुण भी उन्हें मैनू कोई ना पूछया। कुछ देर बाद मैं आके फिर चली गई, शायद हुण ही इहनू को ख्याल आ जाए। आंदियां ने उन्हें फिर भी मैनू सुला ना मारे, पर मैं कुर्बान जावां दिल किदे कब्जे विच ने। वलिया जे ते वलिया दी करामत वेखिया जे, दिल अर्श वाले रब दे कब्जे विच ने। आंदियां ने मेरी गैरत ने गवारा भी नहीं कीता, मैं इहदे कोलों रोटी दा सवाल कर लवां भावें भुख लगी है, पर मेरी गैरत ने गवारा ही नहीं कीता, बर्दाश्त ही नहीं कीता, मैं इहदे कोलों रोटी दा सवाल करां। आंदियां ने मैं घर आ के बह गई, अखां चो अथरू डुल पै, पेट भुखा, निकी जी बच्ची है, खान वास्ते शह कोई नहीं, खामद जिहाद दे मैदान विच गया, ते परेशानियां ते फाके ने, आसमाना वाल निगाहां चुकियां ते अखां डुल पैंदियां ने। अरशां वाले रब्बा मुसब्बिबुल असबाब ते तू ही है। आंदियां ने मैं बैठी सां ते इहदा खामद घर आया, ते आके कहन लगा गल सुन, कोई बीबी अपने घर आई सी, आहो साड़ी गुआंढन अरब औरत जेड़ी है ये साडे घर आई सी। कहन लगा गल सुन लै, सालन जेड़ा पक्का पहला उधर कलेंगी ते मैं रोटी खावांगा, दिल किदे कब्जे विच ने, अल्लाह दे कब्जे अंदर, पहला उधर भेजेंगे ते मैं फिर रोटी खावांगा। आंदिए उन्हें बर्तन भरिया, ते भर के बर्तन मेरे घर दे गई, ते अल्लाह ने मेरी भुख दा समान पैदा फरमा दिता है। एक दिन ते उस के खाने शह कोई नहीं लभदी, फिर हालात बलदे, हालात ने पलटा खादा, दिन बदले, तिल कल अय्याम नदावे लोहा बैन नास, दिन सोनेओ सदा एक जैसे नहीं रहिंदे, दिन लोकां विच बदल बदल के आउंदे ने। असां वेखिया कल दे करोड़ां पति अज गलियां दे कखां तो हौले फिरदे ने, कल फेरी लाण वाले अज लैंड क्रूज़रां ते फिरदे ने। दिन बदलन वाली जात रब्बुल आलमीन दी जात है। ओ मैं आना ये
पैसे वास्ते दौलत ते माल ते कारोबार ते इज्जत ते जाहो जलाल ते इक्तदार ते और सोनिया मान ना करे आकर जेड़ा रब्बे सारा कुछ देन ते कादर है वो वापस लैन ते भी कादर है। दिन बदले हालात ने पलटा खादा ते हजरत असमा फरमान दिया ने मैं एक दिन अपने घर बैठी सा ते कोई शह पैसे या कोई शह गल्ला वगैरा नापन डई सा तोलन डई सा या गिनन डई सा ते नबी पाक तशरीफ लाया घर भी अपना साली सी लगती नबी पाक दी साली दे घर तशरीफ लिया अज मेरे महबूब की नज़र पई ते आप फरमाते ने असमा की गिन गिन के रखन डई है गिनया ना कर नहीं ते फिर रब भी गिन के ही देवेगा। गिनया ना कर खाई पी जाओ गिनया ना कर साड़िया बीबिया भैणा की आदत होंदी है ना पैसे जे के चार टके जेब च इन्हें जोड़ ही लिया ने कई जेन च होंदा मैं अपना मरण जीवन रखे है अपने कफन वास्ते पैसे वखरी इन्हें अपनी गुथली खैर ना बना के रखी है ऐ मेरा मरण जीवन है ते सोच अपनी अपनी होंदी है उन्हें हर हफ्ते गिनना होंदा है कि खैर नाल मियाँ साहब की जेब चो किन्ना को कट्ठा कर लिया गिन गिन के नबी बाग अली सलाम फरमाते ने असमा गिन गिन के ना खर्च करिया कर किते रब भी गिन गिन के ना देन लग पवे बगैर गिनन तो करिया कर ते अल्लाह भी बगैर हिसाबों ही अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यानी ऐ वो अजीम खवातीन ने कि जिन्ना नू अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने जिंदगी दे अंदर इज्जता अजमता नाल मालामाल फरमाया ते फिर इन्हां दे दिलां दे निहाखाने दे अंदर जेड़िया गल्लां सन अर्श वाले रब ने अपनी रहमत ना उन्होंने पूरे फरमा दिता यानी औलिया रहमान मर्दा चो मरद ते बड़े अल्लाह दे वली पैदा होए ने औरतों चो बहुत सारिया खवातीन ऐसिया ने कि जिन्होंने रब्बुल आलमीन ने किरामात अता फरमाइया यानी मोमिन औरतों दिया किरामात जड़िया ने उन्हें चो हज़रत अस और बहुत सारिया खवातीन ने हज़रत असमा हज़रत उम्मे रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह इन सारिया साड़िया मावां ते रहमत दिया बारशा नाजल फरमाए और किताबो सुन्नत के मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। सदक अल्लाहुल अलीय अल अज़ीम।